तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह योयो हो गए। देखो मेरा हाथ भी योयो वाला पोजीशन कर रहा है। तो गाइस आई एम रियली सॉरी, बड़े दिनों बाद मैं आज व्लॉगिंग कर पाया हूँ, क्योंकि यार मेरा शेड्यूल ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गया था। मतलब मेरा रोज़ मन होता था, आप लोग मानो चाहे ना मानो, मेरा रोज़ मन होता था कि जा कर के एक एटलीस्ट वीडियो शूट करूँ डेली की डेली। पर यार क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था मैं कि जा ही नहीं पा रहा था। और आज बड़ी मुश्किल से, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं बैंक से वापस आया हूँ, और अब जा करके मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम मिल रहा है। सोच लो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बैंक गया था स्कूटी से, बिल्कुल ऐसे सांप की तरह भगा भगा के, गलियों से निकाल निकाल के, जस्ट लाइक स्नैक। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सभी बाइक्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने, जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि वो जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट भी है, प्लस उसको आप एक लॉन्ग लाइफ भी दे सकते हो मेरी इस वीडियो को देख करके। उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे वो चीज़ मिलेगी, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के व्लॉग में। बाकी आप लोग कैसे हो ये ज़रूर बताना यार कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना यार अपने खतरनाक मामा फूफा टाइप दोस्तों को। बाकी ये देखो डोमिनार वाले भैया ने डोमिनार तो ले ली, लेकिन हेलमेट बड़ा खतरनाक ले रखा था, देखा था आपने? यही तो समझ में नहीं आता यार मुझे, लोग दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए की बाइक्स तो ले लेते हैं, लेकिन राइडिंग गियर के नाम पे जीरो। राइडिंग गियर में उनको लगता है कि नॉर्मल एक स्टड्स का जो हेलमेट है वो भी SMK या HJC इन हेलमेट्स के बराबर का ही तो है। HJC की बाहर का ब्रांड इसलिए महंगा है, ऐसा नहीं है गाइज। SMK अगर 5000 रुपये का हेलमेट देना शुरू करता है ना, उसका बेसिक हेलमेट अगर 5000 रुपये का आता है, तो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसका वेट होता है। कभी आप देखना स्टड्स या स्टील बर्ड के हेलमेट में, SMK के हेलमेट में, HJC के हेलमेट में, और जितना जो हेलमेट हैवी होता है उतना ही वो ज़्यादा सेफ होता है। और अगर आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो ना 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की, तो एटलीस्ट आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तो यार खर्च कर ही सकते हो अपने राइडिंग गियर्स के ऊपर। राइडिंग गियर्स के मतलब ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट हो गई, राइडिंग पैंट्स हो गया। देखो बूट्स के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वाले बूट्स लो, बूट्स के लिए तो आप एक नॉर्मल आर्मी वाले जो बूट्स आते हैं ना पैरा ट्रूपर के, अमेजोन पे आप सर्च करोगे PARATROPER पैरा ट्रूपर, तो वो वाले बूट्स भी काम कर जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बूट्स हैं। और ओरेजो वाले तो मैंने अभी लिए हैं थोड़े टाइम पहले, जो मेरे ओरेजो वाले बूट्स हैं राइडिंग वाले, वो तो मैंने अभी लिए, उससे पहले मैं पैरा ट्रूपर ही पहनता था। बहुत बढ़िया शूज़ हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि वो लंबे होते हैं तो तुम्हारी पूरी की पूरी आपकी जो एंकल है उसको बचाते हैं वो, तो वो भी आप ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वही वाला जूता लो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके इन चीज़ों को अपग्रेड करो। अगर हम बाइक के ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं ना, तो अपने ऊपर भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि उस बाइक को हम ही लोगों ने चलाना है, बाइक अपने आप तो चलेगी नहीं, और जो बाइक को चलाने वाला बंदा है वो भी तो सेफ होना चाहिए ना। ऐसे सोचा करो, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। तो गाइस बाकी मैं मिलता हूँ आपको आगे हमारी शूटिंग लोकेशन पर, और मैं आपको वहाँ पे ये दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपना ट्राईपॉड लेकर के आया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी न्यू ट्राईपॉड भी लिया है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला ट्राईपॉड है ना वो मेरे दोस्त के पास है, आकाश के पास। अगर आकाश भैया तुम हमारी वीडियो देख रहे हो तो भैया दांत चियार दो, क्योंकि हमारे आकाश जो हैं वो बिहार से हैं, उनको दांत चियारने में बहुत मज़ा आता है। पहले तो वो चंडीगढ़ में था, अब वो गुड़गांव शिफ्ट हो गया है, तो अब मेरा उधर साइड का भी चक्कर लगेगा, तो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैंने अपना एक नया ट्राईपॉड ले लिया है DigiTech का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। बाकी मेरे आगे जा रही है स्लीपर बस भारत बेंस की, ये देखिए शताब्दी ट्रेवल्स लिखा हुआ है। और ऐसी बस से मेरा अभी भाई भी आया है, मेरे मामा का जो लड़का है, जो मेरा कज़िन भाई, वो भी ऐसी बस से ही अभी नोएडा से आया है कानपुर, तो वो बता रहा था भाई भारत बेंस की बस में मज़ा आ गया। स्लीपर बस में चलने की बात ही अलग होती है। अगर आप भी स्लीपर बस में कभी चले हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, और मैं भी अगर कभी स्लीपर बस में कहीं पे मेरी ट्रिप होगी तो ज़रूर उसका एक व्लॉग बना के डालूंगा। ठीक है गाइस, तो आगे मिलता हूँ मैं आपको अपनी शूटिंग लोकेशन पे, और फटाफट आपको बताता हूँ ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपनी बाइक में ध्यान रखनी चाहिए जिस चीज़ का, और उसको आपको कैसे बचाना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर, और यह है न्यू ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर का, जो कि पनकी में पड़ता है। वो देख रहे हो उधर ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं, दिख ही रहा होगा आपको। और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे बड़े दिनों बाद। ये हाल ही में कुछ दिनों पहले ही मैंने विंडशील्ड एक्सटेंडर इंस्टॉल किया, और गाइस बिलीव मी ये वर्थ इट है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं। और ये देखो मैंने अपना ट्राईपॉड कैसे सेट किया हुआ है, ये देख रहे हो पीछे, ये बड़े काम की चीज़ है। पहले मैं सोच रहा था इसको लगाऊं कि ना लगाऊं, लेकिन 50 रुपये की है और बड़े काम की चीज़ है। देखो आराम से मैंने इसमें अपना ट्राईपॉड फंसा दिया और लेकर के आ गया। बाकी बताओ बाइक कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। वो देखो नीचे जो नई वाली लाइट्स इंस्टॉल कर रखी हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जितने भी मेरी बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन मैंने कर रखी हैं सबके ऊपर एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा, और डिटेल में बनाऊंगा कि मैंने वो मॉडिफिकेशन क्यों की, उसका क्या रीज़न था, कहाँ से मुझे पता चला, A to Z सब कुछ। ठीक है, तो बाइक को कर देते हैं बंद और शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है,
तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने ट्राईपॉड वाले सेटअप के साथ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी वो देखो मोहब्बत करता हूँ कैसे मैं एकदम टहल टहल के भैया यो यो करते हुए जा रहे हैं। हाँ बताओ कैसी हो, सुंदर हो? अरे यार हम तुमसे प्यार करते हैं कितनी बार बताएं, और यही चीज़ ही भैया जो है कम से कम 12 लड़कियों को बताते होंगे और 13वीं का जुगाड़ कर रहे होंगे। खैर जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको मिलता हूँ अपने ट्राईपॉड वाले सेटअप पे, ठीक है। और ये है हमारा दिल्ली कानपुर वाला हाईवे। तो गाइस फाइनली मैं बैंगलोर में आ रहा हूँ, तो अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे ट्राईपॉड के पैसे सफल हो गए। बाकी ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इसको आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। तो गाइस जिस पार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है, वो जो हमारा पार्ट है वो होता है फ्रंट वाला शॉकर। आवाज़ आ रही है ना, क्लियर आ रही हो? तो जो हमारा फ्रंट वाला शॉकर होता है, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो आपको पता होगा कि फ्रंट वाला जो शॉकर है अक्सर लीक हो जाता है, और जब वो लीक हो जाता है तो एक लंबा खर्चा तो आता ही है। चलो ठीक है, खर्चे की बात तो अलग है, उसमें जो लभेड़ होती है, लभेड़ का मतलब होता है हिंदी भाषा में उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती है, इंग्लिश में कहते हैं, उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, अब आप शॉकर लेकर के पहले जाओगे शॉकर वाले के पास, वो आपका पूरा आगे वाला व्हील निकालेगा, उसमें वो शॉकर को रिपेयर करेगा, ठीक है। फिर एटलीस्ट आपका 400-500 खर्चा आ जाता है। मेरी बाइक में तो एक शॉकर सील 300 रुपीज़ की, तो मेरे अंदर 600 रुपीज़ का तो सिर्फ पार्टी पार्ट हो गया, ठीक है। फिर जो ऑयल आता है, जो शॉकर वाला ऑयल होता है, वो अराउंड 200 रुपीज़ का आता है, 200-300 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपका आराम से 600-800 रुपये का एस्टिमेट बन जाता है। मेरी बाइक में तो ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 600 रुपीज़ की तो शॉकर सील आती है, उसके बाद जो ऑयल होता है 200-300 रुपये का, प्लस लेबर 100-200 रुपये वो ले लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना, जो हमारी शॉकर सील वाली चीज़ है, इसको हम लोग बहुत ही आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी शॉकर सील है ना कभी ख़राब होगी ही नहीं जल्दी। क्योंकि देखो सीधा सा पॉइंट आप ऐसे समझो, जो हमारा शॉकर होता है फ्रंट वाला, वहाँ पे धूल मिट्टी जब जमा होती है, ठीक है, तो वो जो हाइड्रोलिक होता है ना, जो उसमें हमें चमकीला चमकीला दिखाई देता है, जो शाइनिंग कर रहा होता है, जो पार्ट होता है उसका, ठीक है, जो पिस्टन जैसा होता है, वो जब ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो वो जो सील होती है रबड़ की, उसको काट देता है, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। लेकिन अगर उस जो पिस्टन वाले पार्ट को अगर आप प्रोटेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो उस पर धूल मिट्टी अगर आती भी है, ठीक है, तो वो नीचे शॉकर सील तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग अक्सर कवर लगा देते हैं। और वो कवर जो होता है लोग या तो घर पे बना लेते हैं, ठीक है, या तो आप किसी दुकान से बना बनाए भी खरीद सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो आराम से, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होता है या बहुत सस्ता होता है। तो ये चीज़ मैं आपको अपनी बाइक में दिखाता हूँ कि मैंने कवर इंस्टॉल किया है, तो मैंने वो कवर कहाँ से लिया था, कितने का पड़ा था, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से बहुत। सो गाइज, अगर अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये है फ्रंट शॉकर सील। इसके अंदर जो मेरा शॉकर का पिस्टन है, मैं आपको उसको नीचे करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये पड़ता है 700 रुपीज़ का, प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग, तो हो गया आपका टोटल 750 रुपीज़, ठीक है। लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ है इतने काम की है ना, कि शॉकर सील जब से मैंने इसको लगाया है, पहली बात तो यहाँ पे धूल नहीं आती, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस पिस्टन के ऊपर धूल मिट्टी जो होती है वही हमारी जो सील होती है शॉकर सील, उसको कट कर देती है, ठीक है। तो ये उससे बचाता है, प्लस देखने में भी अच्छा लगता है। और कभी भी जैसे मान लो अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो, तो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो अक्सर इस पर जाके टकरा जाते हैं, तो यहाँ पर या तो डेंट पड़ जाता है, या फिर अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी भी हो जाती है, ठीक है, अगर ये उबड़ खाबड़ हो गया ये वाला पिस्टन, तो भी ये सील को कट कर देता है। तो ये उससे भी हमारी सील को बचाता है। और इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें यहाँ पे ना पीछे वेलक्रो लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये वेलक्रो है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, आपको आवाज़ आएगी, ध्यान से सुनना, ये देख रहे हो, ये वेलक्रो है, ठीक है। पहले तो आपको वेलक्रो चिपका देना है ऐसे अच्छे से, जैसे मैंने चिपका दिया ऐसे लगा कर, और वेलक्रो वाली साइड को अंदर की तरफ रखना है, मतलब मडगार्ड की तरफ, अंदर की तरफ। और नीचे इसमें जिप टाई आती है साथ में इसके, ब्लैक कलर की, ये देख रहे हो ध्यान से, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे जिप टाई लगी हुई है इसमें ध्यान से, ब्लैक कलर की, देखो जो किट किट कर करके लॉक नहीं हो जाती, उसको जिप टाई बोलते हैं हम लोग। तो जिप टाई यहाँ पे लगानी है आपको, और उसको कट कर देना है, जो भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा यहाँ पे लगा के लॉक कर देना। उसके बाद आप चाहे बाइक लेकर के खाई में कूद जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, ऑल इंडिया टूर पर चले जाओ, वर्ल्ड टूर पर चले जाओ, ये कभी नहीं निकलेगा, और ये हमेशा उसको क्लीन भी रखता है। प्लस इसका एक और फंक्शन है जो मैं आपको बताना भूल ही गया, कि जब ये हमारा जो पिस्टन है ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, ये वाला जो चमकीला वाला पार्ट है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ, जो हमारा ये चमकीला वाला पार्ट है, जब ये ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, तो ये जो हमारा कपड़ा है, ये जो क्लॉथ है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है माइक्रोफाइबर वाली है, तो ये इसको क्लीन भी करता रहता है, क्योंकि इससे फ्रिक्शन होता रहता है इसका, ये जो पिस्टन है इस वाले हिस्से का इसके साथ। तो ये चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये मैंने सिर्फ इस तरफ ही नहीं, दोनों तरफ लगा रखी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेयर में आता है, इधर देख रहे हो आप,
दिख रहा होगा आपको, ये देखो इस तरफ की शॉकर सील, और ये है जिप टाई जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो जिप टाई है, देखो मैंने एक्स्ट्रा वाले को कट कर दिया, ये देखो आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा वाली जिप टाई को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो ये जो चीज़ है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, इससे कभी भी आपकी शॉकर सील लीक नहीं होगी। आप कहीं भी टूर पे जा रहे हो, आप लद्दाख करने जा रहे हो, आप स्पीति करने जा रहे हो, आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, आप कश्मीर टू कन्याकुमारी जा रहे हो, ये चीज़ जो है ये मस्ट हैव है, और सिर्फ 700 रुपीज़ की है। इतना तो आप एक शॉकर की ओवरऑलिंग में खर्च कर देते हो, इतने पैसे, आप ऐसे सोचो अगर आपकी शॉकर सील लीक हो जाती है तो इतना खर्चा तो आपका वैसे भी हो ही जाता है। तो आप ऐसे सोचो कि इससे अच्छा है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी लॉन्ग लाइफ करने के लिए आप एक बार 700 रुपीज़ खर्च कर दो, 750 रुपये, और ज़िंदगी भर का आपको आराम। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको चीज़ समझाने वाला था, ठीक है। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जो हमारा पीछे वाला मोनोशॉक होता है ना, मोनोशॉक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा वैसे तो, ये है पीछे वाला मोनोशॉक। जो हमारा पीछे वाला मोनोशॉक होता है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसी ही शॉकर सील आती है, जो मुझे अभी जल्दी मिल नहीं रही है, पहले मिल रही थी ऑनलाइन पर उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया। जो हमारा पीछे वाला मोनोशॉक होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी कवर करने के लिए एक ऐसी बड़ा सा क्लॉथ आता है जिसमें वेलक्रो लगा होता है, उसको बस आपको यहाँ से हाथ डाल के ऐसे गोल तरफ चारों तरफ घुमा करके और वो वेलक्रो उसको चिपका देना है। तो इससे क्या है, आपका पीछे वाला जो शॉकर है वो भी फ्रंट वाले शॉकर की तरह सेफ हो जाता है। और गाइज इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तब होता है जब आप ऐसी रोड्स पर ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, जैसे मान लो कि आप हिली टेरेन्स में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हाईवे पैच पर ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा पैच, तो जो धूल मिट्टी होती है ना वो इन सब चीज़ों पे जा करके अटक जाती है, जैसे हमने आपको बताया ना पिस्टन के ऊपर जाके बैठ जाती है, तो वो शॉकर सील को ख़राब कर सकती है, और उसमें फालतू में आपकी मेहनत भी जाती है, पैसा भी बर्बाद होता है। इससे अच्छा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े से पैसे लगा दो और ज़िंदगी भर आराम से बाइक चलाते रहो। तो आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और जो ये मैंने प्रोडक्ट लिया था आगे से, ये मोटो ट्रेंड्स का है, ये वाला जो है ना, जो ये वाली शॉकर सील है, ये अली, ये है मोटो ट्रेंड्स की, और ये मेड इन इंडिया कंपनी है। और यही शॉकर सील अगर आप किसी बाहर के ब्रांड का लेते हो ना तो वो आपको 900 रुपीज़ के अराउंड का पड़ता है, और ये 700 रुपीज़ का पड़ता है। मेड इन इंडिया है क्योंकि मुंबई में इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और मोटो ट्रेंड्स जो है इनकी वेबसाइट का नाम है, वहाँ से आप ये शॉकर सील ले सकते हो, MOTOTRENDZ, मोटो ट्रेंड्स, और उन्हीं का ये स्टिकर भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन्हीं का स्टिकर है, ये देख रहे हो आप मोटो ट्रेंड्स, और मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ CVR में लगा सकते हो, ये आप किसी भी बाइक में लगा लो, इन्वर्टेड फोक्स वाले में दो और भी बेटर काम करता है। ये जो इन्वर्टेड फोक्स नहीं होते हैं जिनमें ये जो पिस्टन वाला पार्ट होता है नीचे होता है, जो आजकल जैसे डोमिनार हो गई या ड्यूक 390 हो गई, उसमें इन्वर्टेड फोक्स आते हैं ना, तो उसके लिए तो ये बहुत भी काम की चीज़ है, उसमें तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है, क्योंकि इन्वर्टेड फोक्स में क्या होता है, जो नीचे होता है पिस्टन वाला पार्ट उस पर और जल्दी धूल मिट्टी जाती है और जल्दी डैमेज होने का खतरा होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, ये जब आप उसके ऊपर लगा देते हो तो वो पूरी की पूरी तरह से सेफ हो जाता है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको मेरा ये सारा का सारा ज्ञान समझ में आया होगा, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सिटी में राइड करते हो, ज़्यादा आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, आप इधर उधर लंबा टूर नहीं मारते हो, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बाइक पे टूरिंग करते हो तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल सजेशन तो है कि आप ये चीज़ लगा लो, क्योंकि मैंने अपनी बाइक में जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं ना उसमें से कुछ ही हैं कॉस्मेटिक, ये तो ज़्यादातर काम के ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है गाइज। तो मिलता हूँ वापस से मैं आपको अपनी बाइक पर, मतलब हेलमेट वाले मोड पर, क्योंकि जो मुझे आपको दिखाना था वो तो आप देख ही चुके हो। तो गाइज हम लोग वापस आ गए हैं अपने मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप पे, और अब इसको देखो मैं कैसे सेट करता हूँ। पहले तो अपना हम ऐनक लगा लेते हैं, ऐनक हिंदी में चश्मे को ऐनक बोलते हैं अगर आपको नहीं पता, तो पहले हमने लगा लिया अपना ऐनक, और अब हम इसको करेंगे सेट इस जाली में, 50 रुपया की जाली जिंदाबाद, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं मुझे। नहीं तो भैया, मैंने देखा है लोगों को व्लॉगिंग करने के चक्कर में उनको एक पिलियन लेकर के आना पड़ता है साथ में, जो उनका सेटअप पूरा का पूरा संभाले, सेटअप इन द सेंस ये सब संभाले उनका, ये जो ट्राईपॉड वगैरह होता है, झमेल तो सारा का सारा इसी का है ना, इसको लगाओ फिर इसको निकालो। और ये जो चीज़ है देखो आज मेरे काम आ रही है, इनफैक्ट मैंने तो ये सोचा था इसको लेते टाइम कि जब मैं संडे राइड वगैरह पे जाता हूँ ना तो एक पानी की बॉटल इसमें लगा सकता हूँ मैं आराम से, लेकिन आज ये किसी और ही चीज़ के काम आ रही है मेरे। थैंक्स अ लॉट सीट वाले भैया जिन्होंने मेरी सीट मॉडिफिकेशन की थी, उन्होंने फ्री में लगा दिया था मेरे में, बोले कि मेरे पास एक पड़ा हुआ है तुम्हारे में लगाए देने, क्योंकि उनके यहाँ मैंने अपनी स्कूटी का भी काम करवा रखा है सीट का, फिर अपनी बाइक की सीट भी मैंने पूरी मॉडिफाई करवाई थी, इसको और गद्दीदार करवाया था, अगर आपको दिख रही होगी तो ये थोड़ी सी ऊँची है नॉर्मल CVR से, क्योंकि मैं जब नॉर्मल टूरिंग करता था
तो मुझे ये वाली जो सीट थी ना, थोड़ी देर बाद मुझे बैक में पेन होने लगता था इस वाली सीट पे। तो मैंने उनको बोला था भैया इसको जो भी करो, इसका जो गद्दा है थोड़ा मोटा कर दो, जैसे भी करो आप। तो उन्होंने टाइम लेकर के एक घंटे में बहुत अच्छे से काम किया था भैया ने। उनके पास भी अगर मैं कभी जाऊँगा इन फ्यूचर तो उसका भी व्लॉग बना के आपको दिखा दूँगा। वो भैया यहीं बकर मंडी में काम करते हैं। बाकी चलते हैं भैया, धूप है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो सूरज देवता ठीक हमारे ऊपर हैं। क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आज मैं बैंक गया था, तो थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मेरा ये होता है कि मैं सुबह सुबह ही अपना व्लॉग कंप्लीट करके पहुंच जाता हूं ताकि मैं एडिट करके उसको अपलोड कर सकूं फटाफट। लेकिन आज वही है, थोड़ा लेट हो गए भैया हम, तो क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ी बाइक चली तो सुकून मिला। ये देखो यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया ना ये न्यू ट्रांसपोर्ट नगर है। बाकी ये बताना ज़रूर कैसा लगा आपको, ये कूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, लेकिन वही है ना कि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा तो इतना मन होता है कि रोज़ एक वीडियो बना के डालूं ताकि आप लोग तक मेरी बात पहुँचे, जितना मेरे पास ज्ञान है वो आप तक पहुँचे और जो आपके पास ज्ञान है वो मेरे तक पहुँचे। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे जब कोई नई चीज़ें पता चलती हैं ना तो भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी ये देखो गुलाबी टी शर्ट जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे फूफा, संभलना मुश्किल हो गया। देखा आपने, अंकल जी खतरनाक गुलाबी कलर का कुर्ता पहने हुए थे, लेकिन मैंने गाने में टी शर्ट बोल दिया, सूरी, आई एम रियली रियली सूरी। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, ये ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसे खतरनाक मामा फूफा लोगों से बच के रहना जो चप्पल पहन के बाइक चलाते हैं, क्योंकि चलते चलते इनकी चप्पल सटक के गिर जाती है, क्योंकि मेरे साथ दो तीन बार हुआ है। और फिर ये इतने खतरनाक होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये चल रहे हैं ठीक है, और इनकी चप्पल नीचे सटक के गिर गई, सटक के मतलब लूज़ होकर नीचे गिर गई, तो ये बीच रोड में ही अपनी बाइक रोक देते हैं, फिर पीछे से ट्रक वाला इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दे, चाहे बस वाला इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दे, चाहे इनके ऊपर एरोप्लेन आके गिर जाए, इनको कोई मतलब नहीं। इनकी 15 रुपये की चप्पल नीचे गिर गई तो ये बीच हाईवे पर अपनी बाइक खड़ी कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ये देख लो, इन्होंने इधर ना देखा ना उधर देखा, सीधे के सीधे हाईवे पार कर लिया पूरा आराम से लाला लाला करते हुए। और गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वालों की होती है, ये याद रखना। अगर स्प्लेंडर और CBR में टक्कर होगी ना तो गलती हमेशा CBR वाले ही कही जाएगी, बोला जाएगा अच्छा तुम्हारी तो बाइक ही तगड़ी वाली, तुम्हें टक्कर मारी होगी, वो तो स्प्लेंडर वाला है। तो गाइज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और अब देखो मैं धीरे धीरे करके अपनी बाइक में जितने भी मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं ना उनके ऊपर वीडियो बना बना के डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाकी नीचे से रेलवे लाइन गई हुई है दिल्ली वाली, जो इधर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पड़ता है मेरे राइट साइड में, और मेरे लेफ्ट साइड में दिल्ली पड़ता है, दिल्ली इटावा ये इधर साइड दिल्ली पड़ता है मेरे लेफ्ट साइड में। को जरा भूल जाओ मेरी तरह पेश आओ। ये भी मेरा हिडन टैलेंट है, अगर आपको नहीं पता ना तो दांत चियारो, दांत दिखाओ और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा गाना, ठीक है। अब चलता हूँ गाइज मैं फटाफट, क्योंकि वीडियोस एडिट करके अपलोड भी करने होते हैं ना, अपलोड नहीं करूँगा तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे, यू विल गेट एंग्री एंड यू विल गेट एंग्री देन आई विल नॉट गेट सब्सक्राइबर, इफ आई विल नॉट गेट सब्सक्राइबर आई विल नॉट अर्न मनी, इफ आई विल नॉट अर्न मनी हाउ विल आई डू राइडिंग। समझ गए ना, मैं इंग्लिश ऐसे ही बोलता हूँ तो इसलिए एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो गाइस चलता हूँ मैं, बाय 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 बाय।